नमस्ते, आज मैं पालक का एक सब्जी बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं नहीं पकाऊंगी, मेरे हस्बैंड पकाएंगे, क्योंकि ये मैं हर टाइम मेरे घर में जब भी ये सब्जी बनता है तो मेरे हस्बैंड ही बनाता है इनको। तो आज भी वही दिखा रहा है आपको क्या ये कैसे पकाते हैं। ये एक्चुअली मुगल सम्राट जो अकबर है उसका फेवरेट डिश है, तो हमने नेट में ही देखा था गूगल में, तो उसको ही थोड़ा मैंने कोशिश किया कि कैसे इसको हम पका सकते हैं, तो वही हम लोग दिखा रही हैं। मुगल जो सम्राट सभी में एक कॉमन चीज था, वो खाने का बहुत शौकीन था, तो इसीलिए आज हम पालक का एक मुगल आइटम हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये पालक के जो ऐसे कट के रखी हूँ, और ये अदरक का पेस्ट, और ये मेथी, ये ग्रीन चिली, और मुझे लगेगा ये लौंग, ये इलायची और ये दालचीनी। इसको मैं पाउडर बना लूंगी मिक्सी में, और लगेगा मुझे घी। घी थोड़ा ज्यादा ही लगता है इसमें, तो चलिए देखते हैं। कढ़ाई में घी दे रहे हैं, घी थोड़ा ज़्यादा ही देना है क्योंकि घी ज़्यादा ही लगता है इसमें थोड़ा। और ये घी गर्म हो जाने के बाद इसमें हम दे देंगे ये जो मेथी है, मेथी, ये घी में मेथी दे रहे हैं। और मेथी का कलर चेंज हो जाने के बाद इसमें दे देंगे ग्रीन चिल्ली, और जो अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे थोड़ा पानी के साथ, और घी में इसको अच्छी तरह भूनना है हमें। और दे दिया थोड़ा नमक, नमक ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा ही डालना है क्योंकि पालक का सब्जी पक जाने के बाद बिल्कुल कम हो जाता है। और घी में ये अदरक भुनना है थोड़ी देर, ये अदरक भुनना लगभग हो गया है, अभी इसमें छोड़ देना है ये पालक को। और अभी इसमें पालक को छोड़ रहा है, अच्छे से घी के साथ मिक्स करके इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे। और नमक नहीं दे रहे हैं क्योंकि नमक थोड़ा अदरक के साथ दिया था और पालक थोड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए टेस्ट करके फिर ही नमक देना होगा। और ये अभी ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा के कुछ देर इसको पकाएंगे। कुछ देर बाद देखिए, ढक्कन खोल के देखा कितना पानी इसमें हो गया है, पालक इतना पानी छोड़ दिया है, तो बाहर से पानी देने के कोई ज़रूरत नहीं है, इस पानी में ही पालक पक जाएगा। तो फिर से इसको ढक्कन लगा के पकने देंगे कुछ देर। तो ये देखिए पूरा पानी सूख गया है और पालक अच्छे से पक चुकी है, क्योंकि देखिए ये सब्जी से घी निकल रहा है, तो इसका मतलब है ये जो पालक है ये पक चुकी है पूरी तरह। अभी इसमें जो डस्ट करके रखी थी मसाले को वो हम दे देंगे। ये पाउडर बना के रखी थी तो उसको दे दिया, और अच्छे से मिक्स करना होगा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत ही सिंपल है ये बनाने के लिए, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होते हैं।
आपका जो सब्जी है वो बनके रेडी है। इसका पूरा क्रेडिट जाते हैं मिस्टर कौशिक विश्वास को, क्योंकि इसी ने गूगल सर्च करके ये रेसिपी मुझे बना के खिलाई थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों को कैसे लगा वो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ये है तो इंजीनियर लेकिन हिस्ट्री में बहुत शौकीन है, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसी से इसको मिल गया था। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। और ये रेसिपी आपको कैसे लगा वो कौशिक विश्वास को कमेंट करके जरूर बोलिएगा। थैंक यू।